बाहरी राज्यों से स्पेशल ट्रेन के जरिए वापस लौट रहे यात्री स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती बने हुए हैं। होजाई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुंबई से ट्रेन के जरिए लौट रहे होजाई के यात्री स्टेशन पार होते ही ट्रेन की चैन खींचकर भाग निकले। पुलिस ने हालांकि 56 यात्रियों को पकड़ जरूर लिया है, लेकिन भागने वालों की संख्या अभी ज्ञात नहीं है, जिससे इलाके में हलचल मची हुई है। गौरतलब है कि ये ट्रेन लामडिंग में रुकने वाली थी। जिन 56 यात्रियों को पकड़ा गया है उनमें मौराझार की 31, लंका के 16, जमुनामुख के 12, होजाई के 12 और डबका के 4 यात्री शामिल हैं। फिलहाल इन यात्रियों को स्टेशन पर ही रखा गया है, जहां इनके स्वाब लेने के बाद इन्हें क्वारंटीन किया जाना है। लेकिन जिस समय बाहर से लौटे लोगों में कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ता जा रहा है, वैसे में यात्रियों की इस हरकत से इलाके के लोगों में दहशत फैल गया है। तो होजाई की ये घटना, होजाई में ट्रेन जब होजाई स्टेशन को पार कर रही थी उस वक्त 56 लोग ट्रेन से कूद गए चैन खींचकर। हालांकि कितने लोग ट्रेन से भागे हैं ये पता नहीं हो पाया है, लेकिन 56 लोगों को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर स्टेशन ले आई है, जिनके स्वाब टेस्ट किए जाएंगे और उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन ये मामला काफ़ी गंभीर लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से बाहर से आए लोगों में कोरोना संक्रमण फैल रहा है, वैसे में ताज़ा मामला जो है वो दहशत वाला है। और इस वक्त हम कोशिश करेंगे, लामडिंग DRM डिविजनल रेलवे मैनेजर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन के जरिए, राम बहादुर राय। राम बहादुर राय, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो घटना सामने आई है, होजाई में ट्रेन से कूद कर लोग भागे हैं, ये किस तरह से संभव हो पाया उनके लिए, और जो तैयारी की गई थी उसमें से ये किस तरह से वो तोड़ने में कामयाब रहे? देखिए, ये लोकमान्य तिलक डिब्रूगढ़ श्रमिक स्पेशल ट्रेन थी। ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए यात्री चढ़ते हैं, बीच में उनका उतरना परमिट नहीं है जी। तो ये होजाई चापोरमुख के बीच में ये ACP के रिपोर्ट हुआ है, और उसमें गाड़ी में हमारे गार्ड और ड्राइवर थे और कुछ RPF के स्पॉट भी थे जी। वो जो उनका रिपोर्ट है उसके हिसाब से उन्होंने किसी को उतरते हुए नहीं देखा है, लेकिन हो सकता है कि वो मिस किए हों, क्योंकि हमारे RPF के जवान भी ज्यादा नहीं रहते हैं, उसमें 4-5 लोग ही रहते हैं जी। तो ये ACP तो कोई भी यात्री कहीं भी कर सकता है जी, बिल्कुल, और इसको रोक नहीं सकते। लेकिन हम लोगों को इनमें जागरूकता पैदा करना है कि ऐसा आप लोग ना करें। नॉर्मली स्टेशन पे तो स्टेट गवर्नमेंट की भी पुलिस है और हमारी भी पुलिस है स्टेशन पे, बट ये मिड सेक्शन में केस हुआ है जी। और अभी तक किसी ने वोन नहीं किया है किसने इसको करा है, बट ACP हुई है। अब इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं और कौन आदमी किया है उसको लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं जी। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही कि अवेयरनेस की जरूरत है, जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और जिस तरह से कहा आपने कि ट्रेन में गार्ड और सुरक्षा बल भी थे, RPF के जवान भी थे, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी नहीं थी, तो ऐसे में कम से कम राहत वाली बात यह है कि 56 लोगों को वापस उन्हें पकड़ लिया गया है, कम से कम ये इतनी राहत वाली बात है। लेकिन आसपास के इलाकों में जो दहशत फैला है कि बाहर से आए हुए लोग जब उनके गाँव में लौटे हैं तो वो कहाँ गए हैं, इसका पता लगाने के लिए रेलवे की तरफ से किस तरह के सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, स्थानीय जो प्रशासन है पुलिस है उसके साथ? देखिए, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने और स्टेट गवर्नमेंट ने, रेलवे ने नोडल ऑफिसर्स बनाए हुए हैं। जैसे हमारे रेलवे के नोडल ऑफिसर हैं, उसी तरह से आपके ADG पुलिस आसाम के नोडल ऑफिसर हैं। ये लगातार पूरी दोनों नोडल ऑफिसर्स की आपस में बात होती है, पूरी टीम बनी हुई है। और अगर होजाई के लोग उसमें थे तो होजाई में स्टॉपेज मांगना चाहिए था, बट इस ट्रेन का होजाई में कोई स्टॉपेज नहीं मांगा गया था। इसका मतलब जो लोग चढ़े हुए वो बेसिकली डिब्रूगढ़ या लंबिंग के नाम पे चढ़े होंगे जी, और अनऑथराइज रूप में वो होजाई में उतरने की कोशिश की है मिड सेक्शन में। तो ये चीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अब ट्रेन में लोकमान्य तिलक से चढ़े हैं लोग, उनका नाम भेजा जाता है, दोनों पता होता है, दोनों टीम को पता होती है जी। लेकिन अगर बीच में कोई पैसेंजर इस ढंग से करता है तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है जी। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि उनको कंट्रोल करना एक तरह से चुनौती है रेलवे प्रशासन के लिए। लेकिन राम बहादुर राय साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब क्योंकि कोरोना का दौर है तो काफ़ी गंभीर मसला है,
चैन पुलिंग की जो घटना हो रही है और लोग बीच में लौट उतर जा रहे हैं, इसको रोकने के लिए अब कौन से कदम उठाए जा सकते हैं रेलवे की तरफ से? इसमें हम लोग और स्कॉटिंग बढ़ाएंगे अपने और चौकसी रखेंगे हम लोग, लेकिन आपको पता है कि ऐसे माहौल में हमारे रेल कर्मी भी जा रहे हैं गाड़ी में, बहुत हिम्मत की बात है उनकी जी। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़ी यात्रा में हमारे कार ड्राइवर और आरपीएफ के बीच स्पॉट है वो भी एक्सपोज हैं, लेकिन बावजूद इसके देश सेवा में वो लोग गाड़ी में चढ़ रहे हैं, जबकि मतलब ऐसा कोई आदेश नहीं है कि उसको स्पॉट करना जरूरी है, बिकॉज पॉइंट टू पॉइंट पैसेंजर चढ़ रहे हैं और उनकी काउंटिंग है, उनका मोबाइल नंबर है, उनका सारा कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी है, रेलवे के पास जी। तो अब इसमें बहुत ज्यादा फोर्स भी हम लोग गाड़ी में नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज इसलिए हमारे लोग भी इंफेक्टेड हो रहे हैं, बट उसके बावजूद भी लोग जा रहे हैं, बट हम लोग और चौकसी बढ़ाएंगे इसमें, हम लोग और स्ट्रिक्टली देखेंगे कि इस इलाके में अगर कोई चेन पुलिंग होती है तो हम उसमें लोगों को बाहर ना निकल लें जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए राम बहादुर राय साहब, ये थे लामडिंग डिवीजन के DRM राम बहादुर राय जो हमसे बातचीत कर रहे थे। होजाई में चैन पुलिंग करके मुंबई से आने वाले यात्री उतर गए हैं, जो स्वास्थ्य कर्मियों और स्थानीय प्रशासन के लिए भी एक तरह से चुनौती बना हुआ है। गाड़ीखन प्राय 1:55 मानत होजाई रेल स्टेशन क्रॉस करी गई शिवबारी ओसो लेवल क्रॉसिंग ओसो हठात कोनबा चेन टानी दिए গাড়িখনে চেইন টানার একটা হুইসাল মারি আমি গম পাও, আমি লগে দৌড়মারি গলো, তেতিয়া মানুষবিলা ট্রেনের উপর নামিব ধরেছিল, যেহেতু ট্রেকের উপর ট্রেনটা বহুত উপরত হাইটত আসলে মানুষবিলা লাহে লাহে নামি আসলে, আমি লগে দুই সাইডত আমার স্টাফ দিয়ে গোটেই মানুষখিনিক আমি করায়িত করল, টোটাল আমি 55 আনিলো ইয়াতে, এগারী মহিলা একটা বাচ্চা আর বাকি 53 জন পুরুষ। ইয়ার পিছত আমি হোজাই জিআরপি হোজাই কন্ট্রোলত খবর দিও যে এনেকা ঘটনা হল, তো লগে হোজাই আরক্ষীও ষ্টেচনৰ চাৰিফাকে টহল দি পেলাই তেওঁলোকে এজন কাৰ্বি আংলঙৰ এজন যুৱকক কৰায়ত্ব কৰি পেলাই ইয়াত আনিলে, এতিয়া আমাৰ টোটেল সংখ্যাটো হ'ল 56। দুইমান মাজত ট্ৰেইন এখন আহিছিলে, ট্ৰেইনখন হোজাই মানে ষ্টপেজ নাছিলে, ষ্টপেজ আছিলে আপোনাৰ লামডিং, কিন্তু ইয়াত কোনোবা মানে এই ল'ৰাবিলাকৰ ভিতৰত মানে ট্ৰেইনত অহা যাত্ৰীৰ কোনোবাই চেন টানি ট্ৰেইনখন ৰখাই ষ্টেচন পাৰ হোৱাৰ পিছত ৰখাই পেলাই নামি পেলাই পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। থাৰ্মিক স্পেচিয়েল ট্ৰেইন যে বম্বাই চে আ ৰহি থি ডিব্ৰুগড়কো জানে ৱালি থি, वो जैसे ही होजाई स्टेशन पार किया है, स्टेशन पार करते ही उन्होंने चैन पुलिंग कर दिया है और गाड़ी को रोक दिया है और उतरने का कोशिश किया है। इमीडिएट हमको खबर मिला है, ऑन ड्यूटी हमारा स्टाफ आरपीएफ का और जीआरपी का जाके उसको अटेंड किया है, कम से कम 55 आदमी को वहाँ डिटेन किया एक साथ और यहाँ स्टेशन पर उनको लेके आए। जो कौन चैन पुलिंग किया है नहीं, ये तो इतना हमें बताना मुश्किल है, क्योंकि किसी एक आदमी ने चैन पुलिंग किया है, बाद में उतरने का कोशिश इन्होंने 55 आदमी ने किया है जो डिटेक्ट हुए हैं, और इसी साथ साथ हमने पुलिस को भी खबर दिया है, जो नियर बाय इलाका में सर्च किया है तो एक आदमी और मिला है, टोटल 56 आदमी को अभी डिटेक्ट करके रखा है। कहाँ से आया ट्रेन? ट्रेन मुंबई से आया, LTT लोकमान्य तिलक स्टेशन से। लोकमान्य तिलक, यस। ये श्रमिक स्पेशल? श्रमिक स्पेशल है। वहाँ पे चैन पुलिंग हुआ? यहाँ चैन पुलिंग यहाँ हुआ है, जैसे होजाई स्टेशन पार किया है उन्होंने चैन पुलिंग कर दिया। 50 मानुष चैन जाने नामी गए এনেকৈতো মই যাওঁ, মোৰ মটৰচাইকেল পাৰ্টি মই পেট্ৰলিং পাৰ্টি ঘূৰি আছোঁ, গাঁৱতে নতুন বছৰ চাৰিআলি ওচৰতে এজন ব্যক্তিক পালোঁ, খুটপুচকু লোক পৰা বোলে মই মুম্বাইৰ পৰা আহিছোঁ, ক'ত ঘৰ বোলে খেৰণী, তাৰপৰা লগে মই মেডিকেলত লৈ গ'লোঁ, মেডিকেলত চেক আপ কৰি এই GRP ষ্টেচনত লৈ আহিছোঁ, মেডিকেল তাক লৈ গৈছোঁ মই। আপুনি নিজে গাড়ী নাই 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 খোজকঢ়াই আনিছোঁ মোৰ গাড়ী, এতিয়া PHC-ত হোজাই PHC-ত মই তাক মেডিকেল কৰাইছোঁ। জনামতে 50 নামিছিল বুলি কৈছে একলগত চেন টানি, একেলগে আহিছিলে, একো কোৱা নাই, কোনে কোৱা নাই, তেওঁ এটা বেলেগ এটা ডবাত আছিলে, তেওঁ ডবাটো দুজনমান আছিলে, বাকী পিছৰ ডবাটোত আছিলে বাকীখিনি। যি উদ্বোধন কৰ্তৃপক্ষই যিটো নিৰ্দেশ দিছে সেই অনুযায়ী যিখিনি মানুহ ডবকা PSO আণ্ডাৰ সেইখিনি ডবকা PSO লৈ পঠিয়াম, আৰু যিখিনি লংকা PSO আণ্ডাৰ সেইখিনি লংকা PSO, আৰু সিহঁতৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা যোৱাকালি হৈ গৈছে, মই অলৰেডি আমি আমাৰ যিখিনি স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ